बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ओवरऑल जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो है 90% एच पायलोरा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, 10% जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, और रिमेनिंग 1-2% जो है उसमें। तो आज जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। तो ऑटोइम्यून 10% केसेस जो हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के उसमें मौजूद होता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के कुछ करैक्टराइज्ड फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो होता है कि ऑटोइम्यून का मतलब है कि हमारी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिएक्ट करना शुरू करती है। मीन्स वो एंटीबॉडीज जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट, फॉरन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई थी, वही एंटीबॉडीज एंटीजीन के अगेंस्ट एक्ट करने के बजाय बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, दैट आर कॉल्ड ऑटोइम्यून। क्या होगा, एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये 53 नंबर स्लाइड्स में है, एंटीबॉडीज़ पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स को डैमेज करेंगी। ठीक है, अब पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज होंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नेसेसरी है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। जब विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सीरम पेप्सिनोजिन डिक्रीज हो जाता है, एंट्रल एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो इट विल लीड्स टू परनीशियस एनीमिया, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। ठीक है, और इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन की इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की पैथोजेनेसिस। ठीक है, एक तो बात आप लोगों को पता है कि इसमें पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं, इनको डैमेज। ठीक है, अब पैराइटल सेल्स जब डैमेज होते हैं तो उसके रिजल्ट में एसिड सेक्रेशन कम हो जाती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन की इम्पेयरमेंट हो जाती है, तो पैराइटल सेल्स की डैमेज होने से एसिडिक सेक्रेशन कम हो गए, और इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हुआ। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है B12 की एब्जॉर्प्शन करता है, B12 की डेफिशिएंसी होगी तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो जब एसिड सेक्रेशन कम हुई, ठीक है, पैराइटल सेल्स डैमेज हुए, एसिड सेक्रेशन कम हुई, तो क्या हुआ, गैस्ट्रिन रिलीज होगा। गैस्ट्रिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर गैस्ट्रिनीमिया। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन को रोकेगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया डिवेल्प हो जाएगा। एच पायलोराई जो है ये हाइपोक्लोरहाइड्रिया कॉज करता है, लेकिन ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में एक्लोरहाइड्रिया होता है। ठीक, और परनीशियस एनीमिया ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस का क्लिनिकल फीचर है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, पेप्टिक अल्सर, अगर सिंपल वर्ड्स में हम पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करें तो आप सिंपली कह सकते हो एनी एक्सकोरिएशन इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी एक्सकोरिएशन हो गई है उसको हम कहें। ठीक है, अब ये पेप्टिक अल्सर जो है, इसमें ये 90% जो है पेप्टिक अल्सर प्रोक्सिमल ड्यूडेनम में अपीयर होता है। ठीक है, और 10% डिस्टल स्टमक में पेप्टिक अल्सर अपीयर। ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर मीन्स जो पेप्टिक अल्सर प्रोक्सिमल ड्यूडिनम में हो रहा है वो होगा एच पायलोराई इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, और सम टाइम जुलिंजर इलाइजन सिंड्रोम की वजह से, ZE सिंड्रोम, जुलिंजर इलाइजन सिंड्रोम। अब ये जुलिंजर इलाइजन सिंड्रोम जो है, इसमें ये होता है कि गैस्ट्रिन सेल्स जो हैं जो एसिड रिलीज करेंगे उनका ट्यूमर हो जाता है। जब उनका ट्यूमर होगा तो एक्सेसिव अमाउंट में एसिडिक सेक्रेशंस रिलीज होती हैं, और एज अ रिजल्ट जो है ड्यूडिनम जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इस जो पेप्टिक अल्सर प्रोक्सिमल ड्यूडिनम में होता है, इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, लेकिन वो खाना खाने से ठीक हो जाता है। प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक पेन दैट इम्प्रूव्स विद, खाना खाओगे
तो एपिगैस्ट्रिक पेन ठीक हुई। ठीक है, और जब हम इसकी ड्यूडिनल अल्सर की डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक बायोप्सी देखते हैं तो इसमें ब्रनर ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी होती है। अब ये ब्रनर ग्लैंड्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ब्रनर ग्लैंड्स जो हैं ये अल्कलाइन फ्लूड सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल रीजन में। ठीक है, वो अल्कलाइन फ्लूड जो है वो म्यूसिन होता है जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो ब्रनर ग्लैंड्स जो हैं जब इनकी हाइपरट्रॉफी होगी तो ये ड्यूडिनल एपिथेलियम को म्यूसिन से वैसे तो म्यूसिन की कवरिंग करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो जब ब्रनर ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हुई तो वो म्यूसिन जो है सिक्रीट नहीं हो पाएगा, सिक्रीशंस नहीं होंगी, तो ड्यूडिनल एपिथेलियम जो है वो जो स्टमक के जो एसिड्स आ रहे होते हैं उनसे डैमेज हो जाती है। ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर रप्चर हो तो इसमें क्या होता है? गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन डिवेल्प हो सकती है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की। एज यूजल जैसे हमने पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर जो है वो ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर 90% प्रोक्सीमल ड्यूडिना में होता है, 10% स्टमक में होता है। अब हम ड्यूडिनल अल्सर को तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये एच पाइलोराई की वजह से होता है। ठीक है, इसके कुछ अदर कॉजेज भी हैं, एनसेड्स एंड बाइल रिफ्लक्स। अब इसमें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर में डिफरेंस क्या होता है? ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर अगर पेशेंट खाना खाएगा तो उसका पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा, लेकिन गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर का जो पेशेंट होगा अगर वो खाना खाएगा तो उसकी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। ठीक है, क्या और अल्सर होगा कहाँ पे? जैसे हमने पढ़ा कि ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर प्रोक्सीमल पार्ट में है और स्टमक का डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होगा, लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम। इसका रप्चर, अगर ये रप्चर हो जाता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, इसके रप्चर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अल्सर्स का। ड्यूडिनल अल्सर्स जो होते हैं मेलिग्नेंट, ठीक है, ड्यूडिनल कार्सिनोमा की कंडीशन बहुत कम होती है कि ड्यूडिनल कार्सिनोमा हो जाए, मोस्टली होता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूडिनल अल्सर आर ऑलमोस्ट नेवर मेलिग्नेंट। जबकि जो गैस्ट्रिक अल्सर हैं, ठीक है, वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स हैं ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, लेस देन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, शार्प इसके एजेस होते हैं और म्यूकोजल फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, जबकि जो मेलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं वो लार्ज होंगे, इरेगुलर होंगे। आपको पता है बिनाइन हमेशा एक स्मूथ में होता है, एक एनकैप्सुलेटेड एरिया होता है, लेकिन जो मेलिग्नेंसी जहाँ पे आएगी उसका मतलब है कि कोई पे डिसिप्लिन नहीं है, इरेगुलर सेल्स हैं, सारा कुछ एक शेडिंग फॉर्म में है। तो मेलिग्नेंट सेल अल्सर्स जो होंगे वो लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं और उसके साथ ही हीप्ड अप मार्जिन होते हैं, और इसके लिए बायोप्सी रिक्वायर्ड होती है डायग्नोसिस के लिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस इसका मतलब है कि ये पर्सन जो होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट लैक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब आपको पता है लैक्टोज कहाँ पे मौजूद होता है? लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। ठीक है, मींस लैक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क में मौजूद होती है। तो क्या होगा, एक मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एंजाइम मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम जो होता है ये जो मिल्क शुगर होती है लैक्टोज उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसीज़ में क्या होगा, जो लैक्टेज एंजाइम जिसने मिल्क शुगर को ब्रेक डाउन करना था वो लैक्टेज एंजाइम एबसेंट है। ठीक है, और ये लैक्टेज एंजाइम मौजूद कहाँ पे होता है? ये मौजूद होता है एंटेरोसाइट्स में, इंटेस्टाइनल सेल्स में। ठीक है, अब इसका पर्सन जो होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट जैसे ही मिल्क इनटेक करेगा तो इस पर्सन को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जब भी कोई इरिटेटिंग पार्टिकल आता है तो आपको पता है फ्रीक्वेंटली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं और वो जो इरिटेटिंग कंटेंट्स होते हैं
बॉडी चाहती है कि जल्दी जल्दी उससे गेट रिड कर लिया जाए, वो एक्सक्रीट हो जाए थ्रू फीसिस, तो इसलिए डायरिया इस पेशेंट को हो जाएगा। अभी जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सिम्टम्स आपको पता है कि इसमें डिस्टेंशन होती है और फिर डायरिया हो जाता है जब जैसे ही पर्सन मिल्क इनटेक करेगा, और इसकी डेफिशिएंसी सम टाइम कंजेनिटल होती है, बाय बर्थ लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, और सम टाइम लेट चाइल्डहुड में लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ट्रॉपिकल सप्रू, ट्रॉपिकल सप्रू जो है दैट इज़ अ मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाए होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, किसी अननोन एंटीजन की वजह से, अननोन पार्टिकल की वजह से, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। ये डिजीज़ मोस्ट कॉमनली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है, और इन डायरिया, इन्फेक्शस डायरिया के बाद ये बहुत ज़्यादा अराइज होती है, तो इसलिए इस डिज़ीज़ को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं ट्रॉपिकल सप्रू में, जुजिनम है और इलियम है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाए डैमेज होते हैं, तो वो जुजिनम और इलियम में ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, और ड्यूडिनम जो है इसमें लेस कॉमनली इन्वॉल्व। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जो डिसऑर्डर है उसमें अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें भी ये मोस्ट कॉमन काज है एक्यूट एब्डोमिनल पेन का, ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स बाय लिम्फोइड हाइपरप्लीजिया, क्योंकि आपको पता है अपेंडिक्स का कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है हमारी बॉडी में, एज सच नॉट डिफाइंड है, तो अगर अपेंडिक्स रिमूव भी हो जाती है बॉडी से तो कोई डैमेजेस नहीं होता, ठीक है। अपेंडिक्स जो है डिटेल में आप लोग सर्जरी में पढ़ेंगे, हमने इसके सिर्फ थोड़े से फीचर्स डिस्कस करने हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपेंडिक्स का पेन है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस है। क्लिनिकल फीचर्स में पेरी एम्ब्लाइकल पेन है, फीवर है, नोजिया होगा, ठीक है, और ये पेन जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिटोनियम की, जिसमें टेंडरनेस होती है, और अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाए तो पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ये टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकेंड इज़ क्रोहन डिजीज, ठीक है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एक तो ये रिकरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, और इनमें होता क्या है, ये दोनों के दोनों इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, रिकरेंसीज हैं इनके और क्रॉनिक हैं, ठीक है। और ये होते किस वजह से हैं, ड्यू टू एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटेरिक फ्लोरा, ठीक है, एंटेरिक फ्लोरा के एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ डिवेल्प होते हैं, या मोर सफ़र फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़, ठीक है। और सिम्टम्स इसमें क्या होंगी, रिकरेंट बाउट्स ऑफ डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। और ये डिसऑर्डर जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये दो तरह के हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़। तो अब हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ को टेबुलेटेड फॉर्म में इनका कंपैरिजन देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। वॉल इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो ये तो एसोसिएटेड फीचर्स हैं, और साथ में जो फर्स्ट सेकेंड कॉलम है दैट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड थर्ड कॉलम इज़ दैट इज़ क्रोहन डिजीज़, ठीक है। ये ठीक है, जो सेकंड कॉलम है वो उसका है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, और थर्ड कॉलम क्रोहन डिजीज़ का। तो अब इसमें क्या होगा, वॉल इन्वॉल्वमेंट। अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोजल और सब म्यूकोजल अल्सर्स होते हैं, मीन्स इसमें म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो रहा है और सब म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपको पता है कि जीआईटी की वॉल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर मसल लेयर, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, ठीक है। और क्रोहन डिजीज़ में फुल थिकनेस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, लोकेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम में शुरू होता है और अपवर्ड मूव करेगा सीकम की तरफ, ठीक है। क्रोहन डिजीज़ किसी भी जगह में हो सकता है, माउथ टू एनस, किस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इसकी साइट जो है क्रोहन डिजीज़ की, दैट इज़ टर्मिनल पार्ट ऑफ एलियम,
सिम्टम्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्या सिम्टम्स होती हैं और क्रोहन डिजीज की क्या सिम्टम्स होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है ब्लडी डायरिया के साथ, ठीक है, जबकि क्रोहन डिजीज में नॉन ब्लडी डायरिया होता है और उसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है। होप्स हो कि टेबलेटेड फॉर्म में आपको कंपेरिजन ठीक से पता चल जाएगा। वॉल इन्वॉल्वमेंट, लोकेशन, सिम्टम्स, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन से सेल्स प्रोमिनेंट होते हैं और क्रोहन डिजीज में कौन से होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट सेल्स होंगे, जबकि क्रोहन डिजीज में लिम्फोइड एग्रीगेट्स ज़्यादा होंगे। ग्रॉस अपेरेंट्स, नेकेड आई से हमें ये कैसे नज़र आएंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज, ठीक है। ये सारे फीचर्स हम टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस अपेरेंट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस में सूडो पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, और क्रोहन डिजीज में कोबलस्टोन म्यूकोजा होगा, क्रीपिंग फैट और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। कॉम्प्लिकेशंस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, दैट विल लीड्स टू कार्सिनोमा और कैंसर। उन डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी मैल एब्जॉर्प्शन के साथ, कैल्शियम ऑक्सेलेट की एक्यूमुलेशन होगी तो उसकी वजह से नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट इज एसोसिएशन, इसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स कौन से होंगे, डिसऑर्डर्स कौन से होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है और एंका पॉजिटिविटी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा है ये अपीयर होती हैं ड्यू टू एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटेरिक फ्लोरा, जबकि क्रोहन डिजीज के साथ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेटरी पोलियाट्राइटिस, एरिडिमा नोडोसम एंड यूवियाइटिस। लास्ट फीचर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को स्मोकिंग जो है प्रोटेक्ट करती है, जबकि क्रोहन डिजीज के पेशेंट का रिस्क बढ़ा देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या होते हैं, हेमरॉइड्स बेसिकली इसमें डायलेशन हो जाती है वेसल्स की, इसको हम कहते हैं डायलेटेड एनल एंड पेरी एनल कोलेट्रल वेसल्स। इट मीन्स जो एनल और पेरी एनल कोलेट्रल वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे हेमरॉइड्स, ठीक है। हेमरॉइड्स जो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल हेमरॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। इंसिडेंस इसका है 5%, ठीक है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हेमरॉइड्स कॉज करते हैं दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रेनिंग, ठीक है, जो इंट्रा एब्डोमिनल और वो फैक्टर्स जो इंट्रा एब्डोमिनल और वीनस प्रेशर बढ़ा दें वो हेमरॉइड्स के रिस्क फैक्टर्स में आएंगे। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एंड एसोसिएटेड स्ट्रेनिंग, वो स्ट्रेनिंग जो इंट्रा एब्डोमिनल और वीनस प्रेशर को बढ़ाए, वीनस स्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में वीनस में स्टेसिस स्टार्ट हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारे रिस्क फैक्टर जो हैं हेमरॉइड्स कॉज करते हैं। जैसे पहले बताया था हेमरॉइड्स एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की लोकेशन क्या होती है, दे आर लोकेटेड बिलो एनोरेक्टल लाइन, एनोरेक्टल लाइन के बिलो होते हैं, ठीक है, और वेसल्स कौन सी हैं इसमें, कोलेट्रल वेसल्स विद इन इन्फीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सस, ठीक है, दैट इज लोकेटेड बिलो एनोरेक्टल लाइन, दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। वाइल इंटरनल हेमरॉइड्स की लोकेशन क्या होती है, ठीक है, दे आर लोकेटेड विद इन दी डिस्टल रेक्टम और इसमें डायलेशन होती है सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सस की, क्योंकि इंटरनल है एनस के अंदर सारा कुछ हो रहा है तो इसमें सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सस है विद इन दी डिस्टल रेक्टम, ठीक है। जब तो ये है इंटरनल हेमरॉइड में, जबकि एक्सटर्नल हेमरॉइड में इन्फीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सस बिलो एनोरेक्टल लाइन। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी इसकी, पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन है वो इजीली डेफिकेट नहीं कर सकेगा, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, पेन होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और इसका जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड ब्लड कलर का होगा, ब्राइट रेड ब्लड होगा, ठीक है। और हेमरॉइड्स जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, जो हमने पहले रिस्क फैक्टर्स का पढ़ा है। हेमरॉइडल ब्लीडिंग से मेडिकल इमरजेंसी नहीं कहते, इसका ट्रीटमेंट होता है, स्क्लेरोथेरेपी है, रबर बैंड लाइगेशन है, इंफ्रारेड कोगुलेशन है,
ठीक है, और सर्जिकली रिमूव करते हैं जिसको हम हेमोरॉइडेक्टमी कहते हैं। फिर इसकी डिफरेंट हेमोरॉइड्स की ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग स्टेजिंग, ग्रेड 1 हेमोरॉइड्स, ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स, ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स, ग्रेड 4 हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो ये सारे हम आप लोग सर्जरी में हेमोरॉइड्स को डिटेल से पढ़ेंगे।